ब्रह्मचर्य कोई घर में रहकर भी साध सकता है। जो बटुक होते हैं शिक्षा के लिए जाते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम में जाते हैं, तो वह भी ब्रह्मचारी कहलाते हैं। वैराग्य धारण करना अलग बात है और ब्रह्मचर्य अलग बात है। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है अपने इंद्रियों को नियंत्रित रख करके और अपने मन को वासना से हटा करके और रखना। गृहस्थ व्यक्ति भी ब्रह्मचर्य ही की श्रेणी में आता है यदि वह सदाचार पूर्वक केवल प्रजोत्पत्ति के लिए धर्म की मर्यादा में ही केवल संसर्ग करे तो वह भी ब्रह्मचारी की श्रेणी में आता है। एक पत्नी व्रत का पालन करे और केवल संतान उत्पत्ति के लिए ही संसर्ग करे तो वह भी ब्रह्मचारी की श्रेणी में आता है। और बाकी जो बटुक हैं, ब्रह्मचारी हैं या ब्रह्मचारी व्रत जिन्होंने ले रखा है वो ब्रह्मचारी हैं। व्रक्त जो है जिन्होंने व्रक्ति का जो है दीक्षा ले रखी है, व्रक्त का मतलब होता है कि जिन्होंने पूरी आसक्ति का त्याग कर दिया वो व्रक्त हैं। हमारे यहाँ संतों की एक परंपरा है जो व्रक्त नाम से है। व्रक्त साधु होते हैं, बैरागी जिनको कहा जाता है सामान्य रूप से, तो दोनों में अंतर है।